हेलो माय ऑल लवली व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, मैं हूँ रंजना एंड यू आर वाचिंग रंजना औरा। आज मैं गाइज लाइव हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक फेशियल, एंड ट्रस्ट मी आज तक जितने भी फेशियल मैंने आपसे शेयर किए हैं रिजल्ट वाइज भी एंड मैथड वाइज भी ये फेशियल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाइज हाइड्राफेशियल। बहुत सारे लोगों को हाइड्राफेशियल के बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। गाइज हाइड्राफेशियल के चार्ज की बात करें तो पार्लर में इसका चार्ज जो होता है वो 7,000 to 10,000 है। अब जिनकी पॉकेट को ये अलाउ करता है वो बहुत आराम से पार्लर में जाके करा सकते हैं। बहुत सारे लोग गाइज अपनी मैरिज के टाइम पे ये फेशियल कराते हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। आपके चेहरे पर ये रुकता है गाइज 2 to 3 मंथ तक, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप आराम से पार्लर में भी करा सकते हैं। बट गाइज जिनकी पॉकेट को ये अलाउ नहीं करता है या आप खुद से हाइड्राफेशियल घर पे करना चाहते हैं तो इस तरह की ब्यूटीफुल वीडियो देखने के लिए मेक श्योर कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड गाइज इस तरह की वीडियो आए एंड आप नोटिफाई हो इसके लिए बेल आइकन भी जरूर हिट कर दीजिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना? चलिए फटाफट से देखते हैं कि आपको DIY हाइड्राफेशियल घर पर कैसे करना है एंड आपको क्या क्या चाहिए होगा। DIY हाइड्राफेशियल करते हैं शुरू, बट उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर हाइड्राफेशियल है क्या गाइस एंड किस तरह की स्किन पे इसको किया जाता है। हाइड्राफेशियल गाइस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी स्किन को करेगी हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज। अब अगर आपकी स्किन गाइस हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी तो वो नरिश्ड एंड ग्लो करेगी। आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स, पोर्स, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट ये सब भी नहीं आएंगे। आपका टेक्सचर इंप्रूव होगा। सो गाइज ये सारे बेनिफिट होते हैं आपकी हाइड्राफेशियल के। सो ये हो गए गाइज हाइड्राफेशियल के बेनिफिट। नाउ बात करते हैं क्या जो पार्लर में हाइड्राफेशियल होता है सेम ही रिजल्ट हमें DIY हाइड्राफेशियल से मिलता है। सो यस गाइज जो रिजल्ट होता है वो काफी सिमिलर होता है, मतलब 80 to 90% ये आपका पार्लर वाला रिजल्ट ही देता है। बट वो जो होता है गाइज उसका जो रिजल्ट होता है वो आपकी स्किन पर रहता है 2 to 3 मंथ। बट ये गाइज डिपेंड करता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है नो डाउट, बट आपके बहुत सारे पैसे भी बच रहे हैं एंड इसमें कुछ नहीं करना है गाइज। सो नाउ आप फटाफट से शुरू करते हैं हाइड्राफेशियल करना एंड देखते हैं कि आखिर हाइड्राफेशियल के लिए आपको क्या चाहिए एंड कैसे करना है। सो गाइज घर में DIY हाइड्राफेशियल करने के लिए बेसिकली आपको चाहिए होता है गाइज एक सीरम, और इसी सीरम से गाइज आपको पूरा फेशियल कंप्लीट करना होता है या पूरा हाइड्रा ट्रीटमेंट आपको करना होता है। सो आप हाइड्रा ट्रीटमेंट में इस सीरम को अपनी स्किन पे पूरी तरह से पेनिट्रेट करते हैं या अपनी स्किन को ये सीरम पिला देते हैं। गाइज चलिए देखते हैं कि इस सीरम को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सो इस सीरम को बनाने के लिए गाइज जो पहला एलिमेंट है वो है कर्ड। गाइज कर्ड का पानी आपको चाहिए। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 2 गाइज आपको चाहिए विटामिन सी। अब इस विटामिन सी के लिए गाइज आप लेमन ले सकते हैं, आप कीनू ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं। मैं यहाँ गाइज संतरा ले रही हूँ। नंबर 3 गाइज आपको लेना है ग्लिसरीन। यस गाइज ग्लिसरीन आपकी स्किन के 100 प्रॉब्लम पे वर्क करती है। पोर्स मिनिमाइज करती है, आपकी स्किन को निखारती है, आपकी स्किन में टाइटन इफेक्ट लाती है। बेसिकली ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। तो नंबर 3 आपको ग्लिसरीन चाहिए। नाउ नंबर 4। नंबर 4 पे गाइज आपको चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल। एंड इस पूरे फेशियल को करने के लिए गाइज आपको चाहिए होगी पट्टी। यस, एक कोरस कपड़ा चाहिए होता है। सो ये सारे एलिमेंट आपको चाहिए इस हाइड्रा फेशियल को DIY घर पे खुद से करने के लिए। सो गाइज हमारे पास सारी चीजें हो गई हैं सीरम बनाने के लिए। नाउ सीरम बनाते हैं तो सबसे पहले गाइज आपको लगभग 4 चम्मच दही लेनी है, और 4 चम्मच दही में गाइज आप पानी वाला पार्ट ज्यादा कवर कीजिएगा। उसके बाद गाइज आपको लेना है लगभग 4 चम्मच संतरे का जूस। आप जो भी ले रहे हैं उसका 4 चम्मच आपको अप्रॉक्स जूस लेना है। उसके बाद गाइज मैं इसमें पूरा एक भरा चम्मच ले रही हूँ ग्लिसरीन। इससे कम मत लीजिएगा गाइज, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। उसके बाद गाइज मैं इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल रही हूँ। अब इन सभी को गाइज बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और एक बहुत अच्छा सा सीरम प्रिपेयर कीजिए। सो ये गाइज प्रिपेयर हो गया हमारा बहुत अच्छे से सीरम। नाउ आप शुरू करते हैं गाइज DIY हाइड्राफेशियल। सो गाइज इस ट्रीटमेंट को आपको अपने क्लीन एंड ड्राई फेस पे करना है। मेक श्योर कि आपके चेहरे पर कुछ भी मेकअप जैसा ना हो एंड वो बहुत अच्छे से क्लीन हो। सो गाइज सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जिससे आपने जूस निकाला था उस वाले पार्ट से आपको अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। सो फटाफट से गाइज हम क्लिनजिंग करते हैं। एंड इसी को आपको अपने पूरे स्किन पर क्लिंजिंग मोशन में घुमाना है। नाउ गाइज इसको आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक छोड़ देना है। इसी पे गाइज आपको करना है स्टेप नंबर 2, जिसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है ये कोरस कपड़ा या पट्टी और आपको अपने हाथ पे या फिंगर को बहुत अच्छे से इससे लपेट लेना है। अब इसको गाइज आपको सीरम में बहुत अच्छे से डिप करना है एंड डिप करने के बाद गाइज आपको इसी से अपने चेहरे पे करना है स्टेप 2 में स्क्रब। गाइज ये जो स्क्रब है ना, ये बहुत ही कह लीजिए जेंटली या माइल्ड वे में आपकी पूरी स्किन से जितनी भी डेड सेल है उनको हटाएगी, आपके चेहरे पे वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी, क्योंकि इसमें है लैक्टिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन सी एंड गाइस बहुत ही प्रचुर मात्रा में मॉइस्चराइजर। तो ये आपकी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट भी देगी। इस पूरे प्रोसेस को गाइस आपको एटलीस्ट 2 से 3 टाइम रिपीट करना है। मतलब आपको पूरे फेस पे गाइस बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं होना है। बहुत ही ज़्यादा जेंटल वे में गाइस इस पट्टी से आपको पूरे चेहरे पर स्क्रब करना है। इस प्रोसेस को जब आपको लगे कि 3 टाइम्स आपने रिपीट कर लिया, देन गाइस आपको इस कोरस कपड़े को बहुत अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर लपेट लेना है एंड लपेटने के बाद गाइस आपको जो भी बचा सीरम है उसको अच्छे से पेनिट्रेट कर देना है। आपको इसको उसके बाद 5 मिनट तक एटलीस्ट छोड़ देना है। देन गाइस आपको इसको हटाना है एंड इसी से आपको लास्ट टाइम में वाइप ऑफ करके हटा देना है। नाउ ये कंप्लीट हो गया गाइस हमारा हाइड्रा फेशियल। अब इसके बाद आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है प्लेन वाटर से। आप चाहे तो बहुत ही माइल्ड फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस अब मैं आपसे शेयर करती हूँ इस हाइड्रा फेशियल का लाइव रिजल्ट। नाउ हेयर इज अ रिजल्ट गाइस, ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। हो सकता है कैमरे में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिजल्ट ना दिख रहा हो, बट गाइज इन एक्चुअल स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सपल एंड स्मूथ लग रही है। ये था गाइज इस हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट। ये बहुत ज़्यादा गाइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ नहीं लगना है आपका, 10-15 रुपए इसमें खर्च आते हैं गाइज। बहुत ज़्यादा इजी भी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बहुत सारे पार्लर वाले पैसे बचेंगे। हाँ, एक और चीज़ गाइज मुझे बताना है कि जब भी आप हाइड्रा फेशियल करें, सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कभी ना जाएं। एंड नंबर 2 गाइज 3 से 4 आवर आप मेकअप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके पोर्स ओपन है, आपकी स्किन ने एक ट्रीटमेंट लिया हुआ है। सो या गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको पसंद ज़रूर आया होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो, आप इसको ट्राई करें तो एक्सपीरियंस ज़रूर दें। नाउ गाइज अब मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही यूजफुल ब्यूटीफुल वीडियो में। टिल देन लव यू गाइज, बाय बाय।